हेलो हेलो। तो बिल्कुल यहाँ से दूसरा मुकाबला चल रहा है परेश खड़गे, मिस्टर हाफ वाली कैप्टन जूनियर कृष्णा सातपुते के नाम से जाना जाता है खिलाड़ी। और देखिए सिक्का उछला, जिस तरीके से सोनाक्षी 11 वागेवर टीम के पक्ष में पहली फील्डिंग करना इरादा लिया और मंगेश फड़की की वापसी इस मैदान के ऊपर होती हुई लालचंद डाबन खेलते हुए नजर आएंगे। प्रतीक सूर्य भागे सूर्य समाधान वास्कर एक के 47 रन मशीन, प्रतीक पाटिल खारको पर सिद्धेश वास्कर भंगार बड़ा कुणाल नाइक भिंगारे, ऐसे मानतम खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। मंगोल के क्षेत्र में राहुल बैकर देख सकते हैं आप, जिस तरीके से प्लस पे 11 टीम के सबसे आक्रामक खिलाड़ी जाने जाते हैं, लेकिन पहली गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद इरादे कुछ अलग थे, सिद्धेश वास्कर ने यहां चलता बना दिया और पहला बड़ा सदमा इस वक्त मिलता हुआ टीम बैटिंग करने वाली नविशा 11 विचंबा टीम के लिए। कोई खिलाड़ी ऐसा होता है जब छक्का आने के बाद साधे शिले एकदम अंदर मी ड्यूरोसेल से शिला होना ड्यूरोसेल से शिला मांगो मैं। हेलो हेलो। तो बिल्कुल पहला झटका इस वक्त मिलता हुआ प्रवीण दुगाड़े सर, इस मैदान के अंदर जो बल्लेबाज जा रहे हैं वो बैट्समैन है इस वक्त मैथ्यू हेडन, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन की याद आती है, कौन भूलेगा पिछले दो साल पहले विचंबा के मैदान के ऊपर लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के दागे थे।
चलो तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर युवा नेता जवाद गाजी के नाम से इस प्रतियोगिता को जो ऑर्गेनाइज किया जा चुका है युवा नेता ट्रॉफी 2020 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। चलिए कुछ कंफ्यूजन था, जब भी कंफ्यूजन होता है राजीव पटेल को अंदर जाना ही होता है। कांचन पालकर देखिए आपका वजन भी 10 किलो बढ़ा है पिछले साल से, लेकिन राजीव पटेल का वजन हमने कभी ना बढ़ते हुए देखा है ना कभी घटते हुए देखा है, वैसे के वैसे एवर ग्रीन देवानंद। मगर अब शादी के बाद बढ़ेगा, शादी के बाद बढ़ेगा ऐसा कह रहे हैं मुकेश गाजी साहब। शादी हो गई उनकी, शादी हो गई तो बढ़ेगा जरूर, क्योंकि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। टीम का टोटल 22 रन, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। गेंदबाज सिद्धेश वास्कर के ओवर की समाप्ति हुई जिस ओवर में 22 रन आए। ऋषि नाइक जिन्होंने काफी अच्छा खेला उस ओवर में, हमने देखा दो छक्के दागे एक बाउंड्री दागी, मुझे आज भी वो छक्का याद आ रहा है ऋषि नाइक का जो रिवर्स लगाया था उन्होंने सिद्ध विनायक कॉम्प्लेक्स के चौथे माले पर इसी ग्राउंड के ऊपर, देख रहे हैं वहीं पे। फिर एक बार क्या हमें वो मौका देखने का मौका मिलेगा, हमें उस छक्के का रिव्यू देखने का यानी कि रिप्ले देखने का मौका मिलेगा, लेकिन सुदर्शन गाय का डायरेक्ट हिट वहां पर हुई थी, अपील की गई लेकिन रन को पूरा होता हुआ अंपायर ने कहा राजन काजे सिंगल पूरा किया चुस्ती फुर्ती के साथ, आंखों से काजल चुराने वाली बात हुई। कुणाल नाइक जिन्होंने सोमर की शुरुआत की थी, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है और ऐसे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर विक्रोलियंस के खिलाफ भी उस्मान पटेल जैसे खिलाड़ी ने लगातार दो छक्के दागे थे, जीत के करीब टीम को जब पहुंचाना था और जीवित माथे ने क्या स्प्लेंडेड इनिंग खेली रायगढ़ और ठाणे के बीच, जीवन की सर्वोत्तम पारी खेली है जीवित माथे ने, लेकिन यहां पर ऋषभ नाइक अंपायर से गार्ड लेते हुए खुद का निजी टोटल 16 गेंदे चार अब तक खेली हुई है उन्होंने अपने इनिंग में। गेंदबाज कुणाल नाइक इनफॉर्म टीम है क्योंकि इनके पास भी बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है, 80 रन इनके पास भी चेस करने वाले बल्लेबाज हैं पांच ओवर में। बहुत ही बढ़िया गेंद डाली राइट अप इनटू द ब्लॉक और कलयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के बीच में से ऋषि नाइक ने, ऋषि नाइक को मिलता हुआ सिंगल, 17 का निजी टोटल, टीम का टोटल 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। कॉर्पोरेटर साहब यहां पर बैठे हुए, मुकेश काजी पटेल साहब यहां पर बैठे हुए, निसार जी पटेल साहब, ढेर सारे मेहमान हमारे मेहमान कक्ष में बैठे हुए इस मैच का मजा लेते हुए। कुणाल नाइक बहुत ही बढ़िया खेला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, अब तक एक अच्छा ओवर में कहूंगा कुणाल नाइक का, क्योंकि तीन गेंदे उन्होंने डाली, एक सफलता हासिल की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर इस ओवर की शुरुआत सही मायने में मैं कहूंगा सोनाक्षी बाजुलवाड़ा के लिए अच्छी की जा चुकी है कुणाल नाइक द्वारा। स्वप्निल कांबळे एक और हार्ड हिटर बल्लेबाज, व्यावसायिक स्तर पर काफी बड़े प्रतियोगिताएं खेलने का तजुर्बा है उनके पास और कई बड़ी प्रतियोगिताओं में मैंने उनको लड़ते हुए देखा है वन मैन आर्मी की तरह, एक होनहार क्रिकेटर जो इस वक्त इनैट नंबर 4 की पोजीशन पर जाएंगे। इनैट नंबर 3 की पोजीशन पर हमने सुदर्शन गायकर को देखा था, ओपन करते हुए हमने परेश कड़के को देखा था, दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं परेश कड़के और सुदर्शन गायकर और दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद एक साझेदारी की जरूरत है अब इस टीम को और खास तौर से स्वप्निल कांबळे का वो आग उगलता हुआ बल्ला, जो इनिंग्स मैंने देखी है स्वप्निल कांबळे की कई अच्छी इनिंग्स, वो इनिंग्स अगर होती है और ऋषि नाइक जो लंबा 50 बनाते हैं वैसा अगर बनाते हैं फुल टॉस गेंद, इस बाहुबली को आप नहीं डाल सकते, फुल टॉस गेंद आप इस बाहुबली को नहीं डाल सकते क्योंकि गेंद को किस तरह से कचूमर बनाया जाता है ये बखूबी जानते हैं और पीपीएल में हमने देखा था वसीम मस्ती ने भी ऐसे ही छक्के दागे थे यहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर। तो ये होता है फुल टॉस गेंद नहीं, पहले से ये बैटिंग पैराडाइज, गेंदबाजों का सरेआम कड़कती धूप में कतलेआम हो रहा है उस वजह और उसके बाद भी अगर फुल टॉस डालेंगे तो आप बैल मुझे मार वाली कहावत। टीम का टोटल
30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। चलिए गेंद दीजिए, गेंद देखिए वसीम और इमरान मस्ते के वालिद स्वर्गीय महमूद मस्ते भी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर थे। मुकेत काजी ने हमें यह जानकारी दी, कॉरपोरेटर पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अब देखना यह होगा, लंबा छह आया जो फुल टॉस किया कुणाल नाइक ने, तीन गेंदें अच्छी डाली थी, तीन गेंदों में बस दो रन दिए थे, विकेट भी निकाला था सुदर्शन गायकर का, लेकिन एक खराब गेंद जो डाली गई ऋषि नाइक के लिए, ऋषि नाइक ने उसका फायदा उठाया मिड विकेट के ऊपर से, लंबा हिट नंबर छह। इस ओवर की करेंगे पांचवी गेंद, राइट हैंड राउंड द विकेट, कुणाल नाइक यंगस्टर यंग टैलेंट जरूर मैं कहना चाहूंगा, बॉडी लैंग्वेज से आक्रामक तेवर तो नहीं नजर आते लेकिन काफी आक्रामक खेल ये करते हैं। और ये लटक चुके थे ऋषि नाइक, बड़ी मछली जाल में आ चुकी थी व्यावसायिक स्तर पर, और वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर। मौके मुश्किल से मिलते हैं, मौके कैच के मौके मुश्किल से मिलते हैं सुगियान, और ऐसे मुश्किल से मिलने वाले मौकों को छोड़ना नहीं चाहिए। मौका आया हथियालो, यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते जिंदगी में आपको आगे जाने के लिए, बार बार मौके नहीं मिलते, मिले हुए मौके को एक अच्छी तरह से कन्वर्ट करो, सफलता की ओर लेकर चलो। लेकिन यहां पर इस कैच को छोड़ने की वजह से, जो कैच छोड़ा था सिद्धेश वास्कर ने इस कैच को छोड़ा, लेकिन यहां पर अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, बंगाल बाड़ा के सिद्धेश वास्कर, ये व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 32 80 के करीब पांच ओवर में लेकर जाना ही होगा, क्योंकि सामने वाली टीम में भी समाधान वास्कर सर जैसे विस्फोटक सिद्धेश, नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर, सिद्धेश वास्कर जैसे आक्रामक खिलाड़ी, कुणाल नाइक, प्रसाद घरत, एक सुनामी, एक जलजला, एक तूफान, चार पांच खिलाड़ी ऐसे हैं इस टीम में, और तीन बार ये तहसील वाइज हाफ जीत चुकी है ये टीम इस सीजन में। और मैंने पहले ही कहा था स्वप्निल कांबड़े वन मैन आर्मी की तरह लड़ते हुए मैंने कई बार देखिए, लेकिन 100 रुपए का इनाम मिलेगा, आएगा कैच इस्माइल को तमीम सर द्वारा, और राजू पटेल उस इनाम को प्रदान करेंगे। टीम का टोटल 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 19 की औसत से, लेकिन सोच यही होगी प्रसाद घरत एंड कंपनी की, किस तरह से 80 के अंदर इस टीम को रोका जाए, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का यह मैदान जहां पर रन बनते नहीं बरसते हैं। लालचंद गावन सीनियर खिलाड़ी, और कल ओपन के कई धुरंधर खिलाड़ी यहां पर नजर आएंगे, विजय पावले, कृष्णा सातपुते, इजाज कुरैशी, शाहिद विनर्स के शाहिद शेख, सुमित धिक, प्रथमेश पवार, रायगढ़ के वंडर बॉय आकाश तरेगर, नासिक का आशिक मुन्ना शेख, ऐसे कई खिलाड़ी, उमर खान, नाजिम गुल्ली, कई खिलाड़ी ऑल ओवर इंडिया, टेनिस स्टार सुल्तान खान, थॉमस डायस, रवि बुम्बक, ऐसे कई नाम, जीवित मात्रे यहां पर नजर आएंगे। लेकिन इस मैच की तरफ हम चलेंगे, इस मैच के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिलहाल कल के सितारे कल होंगे, लेकिन आज के सितारे क्या कर रहे हैं इसका आपको तो हाल बताना जरूरी है। तहसील वाइज हाफ है, 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 19 की औसत। गेंदबाज प्रतीक पाटिल, जादुई स्पिन इनके पास, देखना ये संजय सोलंकी आ चुके हैं खालापुर के कप्तान, दिमाग के जादूगर जिन्होंने बतौर कप्तान कई बड़ी ट्रॉफियां रायगढ़ को चितवा के दी है, उनका हम तहदिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल ऋषि नाइक स्ट्राइकर इन पर, ये अच्छी गेंद थी और इस अच्छी गेंद को बैकफुट में जाके खेलने की कोशिश की थी ऋषि नाइक ने, रन की गुंजाइश को किया समाप्त, डॉट गेंद आई 38 पर रुका हुआ टोटल। प्रतीक पाटिल इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद, ये औसतों के बहुत ज्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा हुआ, टोटल आता हुआ 39 दो विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया स्वप्निल कांबड़े जिन्हें एक ही गेंद खेलने का मौका मिला, नंबर आया 6 ऋषि नाइक अपनी टीम की पारी को संभाल रहे हैं,
नविश 11 विसुंदे। ये देखिए रिवर्स स्वीप ट्राई करने की कोशिश की थी तो दारे तलवार जो लगी तो आबाद वरना बर्बाद। टीम का टोटल वहीं पर रुका हुआ। 39 मैंने पहले कहा था प्रतीक पाटिल, ऐसे कई मौके मैंने इस टीम के देखे हैं जहां पर इस गेंदबाज ने इस टीम को वापसी के द्वार खोले हैं। तहसील वाइज हाफ में खार कोपर की तरफ से ग्रामीण क्रिकेट डिस्कशन हो रहा है और देखिए मुकित काजी और पटेल साहब मुझे कुछ बता रहे थे, अगर मैं वो बोलता तो समय वही होता, बॉल डिलीवर का समय वही होता। आउट तो ऋषि नाइक के पारी का दौरा हुआ, शानदार पारी 24 रनों की जिसमें 3 छक्के शामिल हैं और 9 बल्लेबाज सुनील चावरी रायगढ़ वॉरियर्स। सुनील चावरी मैदान के अंदर जा रहे हैं, बाएं हाथ के खिलाड़ी है और इस बाएं हाथ के खिलाड़ी को अपना कर्तव्य दिखाना होगा। 12:22 हो चुके हैं टोटल अगर हम स्कोर कार्ड के ऊपर देखे इस समय 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। प्रसाद गलत की सोच सही है वो जानते हैं, काफी अरसे से इस ग्राउंड के ऊपर कुणाल नाइक हो या समाधान वास्कर सर हो या फिर सिद्धेश वास्कर हो खेल चुके हैं इस ग्राउंड के ऊपर, वो जानते हैं 65-70 का आंकड़ा अच्छे से बोले 5 ओवर में 70-80 के ऊपर अगर चला जाता है वो जो 80 प्लस जो रन होते हैं वो 10-12 रन वो काफी मुश्किल हालात पैदा करते हैं। विनर्स में खेल रहे हैं सुनील चावरी, लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा तहसील वाइज साहब है यहाँ पर ग्रामीण के धुरंधर इक्के इस ग्राउंड के ऊपर नजर आएंगे। मुकीत काजी साहब ने सुबह हमसे बात की थी ग्रामीण क्रिकेट के इक्के इस ग्राउंड के ऊपर नजर आएंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर जब भी मुकाबले होते क्राउड की कमी नहीं रहती, देखिए जैसे ही 4 बजेंगे ना 4 हमारे सामने वाले की जो दीवार है वॉल है पूरी तरह से क्राउड की क्राउड होगा हमारे बिल्कुल सामने, मैदान के चारों तरफ क्राउड रहता है खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। ये खराब विकेट कीपिंग वहां पर हुई, वाइट प्लस 4 44 अंपायर हमारे न्यूट्रल हैं, जो भी फैसला होगा सही साबित होगा उनका, लेकिन 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। सुनील चावरी स्ट्राइकर एंड पर है, प्रतीक पाटिल जिन्होंने गेंद को ज्यादा घुमाने की कोशिश की थी, अंपायर को लगा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर है और प्रसाद घरत ने थोड़ी सी गलती जरूर की थी और उस वजह से हेलो 4 रन मिले बाई के तौर पर, कुल मिला के वाइट बॉल थी, 5 रन आए टीम का टोटल 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रतीक पाटिल ओवर नंबर 3 राइट आर्म राउंड द विकेट सुनील चावरी के लिए। सुनील चावरी ने इस गेंद को खेला, शॉर्ट फाइनल को चीरा, डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन और इन 4 रनों के साथ 48 पर पहुंचता हुआ नविश 11 विसुंबे का टोटल। द विशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोप्राइटर
निलेश कांबड़े इस टीम के फ्रेंचाइजी जरूर पैकर बन चुके हैं और ये टीम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर खेल रही है। टीम का टोटल 48 रन और ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। ₹100 का इनाम है। राजू पटेल कहाँ हैं आप? प्रतीक पाटिल तैयार राइट आर्म ओवर द अराउंड द विकेट। सुनील चावरी के लिए कलाम के सारे मोड़ा। सुनील चावरी ने गेंद को गैप में खेला, थोड़ा सा फंबल वहां पर, दूसरा रन जरूर मिला सुनील चावरी को और इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 50 रन। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए नवीश 11 विसुंबे के पहले 50 का। और मुस्तफा बड्डे मुस्तफा रॉयल को रॉयल का लोगों को इंतजार है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया खेला सुनील चावरी ने वाइन लेग बाउंड्री के बाहर। नंबर आया 6, टीम का टोटल हुआ 56 18 गेंदों में। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। बिल्कुल सुनील चावरी के बल्ले से रन आ रहे हैं और ये अच्छे संकेत हैं। किसी ने मारी हुई फूक और उसका असर हमें नजर आ रहा है सुनील चावली के बल्ले के ऊपर। यकीनन रन यहां पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं सुनील चावली के बल्ले से, लेकिन 12 का निजी योगदान है। टीम का टोटल प्रवीण गायकर 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। और अब गेंदबाज कुणाल नाइक अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। ये टीम काफी ताकतवर नजर आती है क्योंकि इस टीम में देखिए जो फील्डिंग कर रही है उस टीम में स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। मंगेश फड़के, समाधान वास्कर सर, कुणाल नाइक, प्रसाद घरत, सिद्धेश वास्कर। बैटिंग की कमी नहीं है इस टीम में, लेकिन थोड़ी गेंदबाजों की कमी नजर आ रही है। सूरज पाटिल भी है बागिलवाड़ा, राहुल बैकर पड़स पे। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इस टीम में मौजूद है, लेकिन विचुंबे की जो शुरुआत हुई है काबिले तारीफ। 56 रन अब तक आ चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर और अभी भी उनके धाकड़ स्वप्निल कांबड़े क्रीज पर मौजूद। गेंदबाज कुणाल नाइक तैयार अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश। एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 57 रन। प्रवीण गायकर हमारे साथ है। प्रवीण 57 रन, मैं तो कहूंगा शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन 57 होने के बावजूद भी अगर 80 के करीब रोका जाए, 5 ओवर में 16 की औसत यहां पर उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा हम समझते हैं। फील्डिंग करने वाली टीम को यह सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पहले मैच में 92 आए थे, प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है। इन बल्लेबाजों को यह सोचना चाहिए कि 90 प्लस हम किस तरह से बनाएंगे। बल्लेबाजों की सोच वही होनी चाहिए, गेंदबाजों की सोच यही होनी चाहिए कि 80-75 के करीब हम इन्हें रोकने का प्रयास करें। और वही जो टेम्पो मिला है बल्लेबाजों को, 57 रन जो आ चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर, बल्लेबाजों को यह सोचना है कि किस तरह से इन रनों को बढ़ाया जाए, 90 के करीब, 85-90 के करीब लेकर जाए। सुफियान पटेल, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का यह मैदान है जहां पर कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। हाँ, यहां से जीतने वाली टीम रायगढ़ के लॉयड की टीम जो जीती हुई है उनके साथ खेलेंगे, लेकिन इस गेंद को खेला सुनील चावरी ने, इस गेंद को निकाला और ये देखिए ग्राउंड में थोड़े से बाग बगीचे में जिस तरह टहला जाता है, अरे दर्शक टहल रहे थे। समाधान वास्कर सर को थोड़ी सी कठिनाई जरूर पेश हुई, लेकिन एक ही रन दिया उन्होंने और उस एक रन के कारण 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। इस साल यही खिलाड़ी 3 बार तहसील वाइज आपसे ऊपर आ चुके हैं। कंचन पालकर, ओम साई भंगारपाड़ा के नाम से, पिंसी सावड़े के नाम से, नरेश स्मृति सावड़े के नाम से, आज वागिलवाड़ा के नाम से ये टीम खेल रही है। यंगस्टर्स का जोश है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई, 2 रन यकीनन अपनी टीम के लिए बचाए। भावेश अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए
लेकिन स्वप्निल कांबळे को देखिए, तीन गेंदों में अब तक चार रन आ चुके हैं। कुणाल नाइक ने शुरुआत तो अच्छी की है इस ओवर की, तीन गेंदों में चार रन उतने ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर इसी तरह अगर पहले ओवर में भी तीन गेंदों में दो ही रन दिए थे लेकिन उसके बाद 16 आए थे। और ये देखिए सीनियर खिलाड़ी लालचंद गावन, कुणाल नाइक के जज्बे की मैं दाद देना चाहूंगा, बल्ले से ये रन आ चुका है। गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है, फील्डर्स का साथ होना जरूरी है। सूरज पाटिल भी इस टीम में मौजूद है, देखिए स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, इनफॉर्म बल्लेबाज भी इस टीम में मौजूद हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नविशा विसुम्बे काफी अच्छा खेल रही है, उसका स्कोर कार्ड काफी अच्छा नजर आ रहा है, 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस किया स्वप्निल कांबळे के लिए, नंबर आया डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो 6 रन जुड़ चुके हैं, मैंने पहले ही कहा था। देखिए 10 रन आए, पहली तीन गेंदों में आए 4, उसके बाद दूसरी दो गेंदों में 10 रन आए। लालचंद गावन ने जो गलत फील्डिंग की उस वजह से बाउंड्री मिली, उस वजह से दिशा से भटके कुणाल नाइक, एक फुल टॉस आया और उस फुल टॉस का फायदा उठाया स्वप्निल कांबळे ने। बॉलर का कॉन्फिडेंस लो करने वाली वो फील्डिंग थी और निश्चित तौर पर सुफियान, क्योंकि बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये देखिए लगातार दूसरी फुल टॉस है, गेंद के नीचे खिलाड़ी क्या होंगे, क्या ये अंपायर नजर नहीं आया, ये आउट। अच्छा कैच लिया गया स्वप्निल कांबळे के पारी का अंत होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 70 रन, देखिए 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया रन बनाए जा चुके हैं। आखिरी ओवर में कम से कम 20 ढूंढने होंगे और अक्षय पवार में वो ताकत है। यहां पर भी हम देख रहे हैं नविशा विचुम्बे में भी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप हमें नजर आ रही है। हमने देखा ऋषि नाइक को, हमने देखा सुदर्शन गायकर को, हमने देखा परेश कड़के को, हमने देखा स्वप्निल कांबळे को और अब हम देख रहे हैं अक्षय पवार को, सुनील चावरी को। थोड़ी सी हर्षल भुजबल की कमी जरूर नजर आ रही है बतौर कप्तान। हाँ उस्मान पटेल भी देखिए पूरा वक्त दे रहे हैं भांजे के लिए, इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए। नौमान पटेल और वसीम पटेल के इस युवा नेता ट्रॉफी, जवाद काजी के नाम से जिस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, 2020 में 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। मैं देख रहा हूं यहां पर हमारे पीछे जो फ्लेक्स लगा हुआ है आदरणीय पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभागृह नेता, 25 मिनट के अंदर ये 5 ओवर खत्म होने चाहिए। सभागृह नेता आदरणीय परेश दादा ठाकुर हमारे पीछे फ्लेक्स में नजर आ रहे हैं, जहां पर ये ग्राउंड खेलने योग्य नहीं था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर खेलने वाले बच्चे लोग जब उनके पास गए कि परेश दा हमारे पास ग्राउंड तो जरूर है लेकिन वो खेलने योग्य नहीं, दूसरे दिन तुरंत उन्होंने इस बंजर जमीन को एक मैदान में तब्दील किया। ये होता है आपका काम, आपकी पहचान। गेंदबाज सूरज पाटिल वागिलवाड़ा, दो बाइक जीतने वाले बाइकर मैन सूरज पाटिल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यंग टैलेंट अक्षय पवार, क्या गेंद डाली, बहुत ही बढ़िया डॉट गेंद आई, 70 रन बनाए जा चुके हैं, 80 के करीब रोकने की मंशा होगी, वहीं दूसरी तरफ 90 के करीब पहुंचने का सपना होगा टीम नविशा विचुम्बे को। और इसी के साथ अक्षय पवार बिल्कुल विकेट के बीचों बीच पाए गए और इसी के साथ 2 डॉट गेंदे। इस आखिरी ओवर में क्या चाहिए टीम वागिलवाड़ा को, जितनी डॉट गेंदों की परसेंटेज बढ़े उतना अच्छा है। विचुम्बे टीम को क्या चाहिए, जितने ज्यादा रन आए उतना अच्छा है। स्लॉग ओवर है, यह मारधाड़ वाला ओवर है जहां पर मारो या मरो वाली स्थिति होती है, या तो मारो या फिर मरो। सुफियान पटेल आप भी जानते हैं स्लॉग ओवर में एक एक गेंद सोने के भाव पे तुली जाती है। आकाश गिरी तेज तर्रार गेंदबाज है ये कालुंद्रे के ऑलराउंडर, आकाश गिरी हमें नजर आएंगे, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, बल्लेबाजी भी काफी अच्छी कर लेते हैं। सूरज पाटिल ने इस ओवर की शुरुआत तो अच्छी की है, टीम का टोटल
70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये देखिए स्ट्राइक रोटेशन हुआ, आकाश गिरी के पारी का अंत होता हुआ नजर आया। तीन गेंदे डॉट डाली है इस वक्त सूरज पाटिल ने। अब सुनील चावरी से रहा नहीं गया, उन्होंने देखा कि अपनी टीम संकट में आ चुकी है, लड़ने की क्षमता उनमें जरूर है, वो लड़ने की क्षमता इन आखिरी तीन गेंदों में उन्हें दिखानी होगी, क्योंकि 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर आ चुके हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस ग्राउंड के ऊपर प्रवीण गायकर पिछले 10-12 सालों से मैं आ रहा हूँ, राजेश जी यादव भी आ रहे हैं और आप भी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो 10-12 सालों से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी टारगेट सेफ नहीं है यहाँ पर। प्रकाश गोयल रॉयल कलंबोली की तरफ से व्यावसायिक क्रिकेट की शुरुआत और मोह टीम की तरफ से ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत करने वाले ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज सूरज पाटिल की, लालचंद गावन के चेले की तारीफ करनी होगी, क्योंकि और हरिओम के कप्तान प्रशांत जी कर पे कई खिलाड़ियों को स्टार बनाने में जिन्होंने अहम किरदार निभाया वो प्रशांत कर पे यहाँ पर आ चुके हैं। उनका एक रिकॉर्ड था कंचन पालकर, उनकी टीम में चाहे कोई भी कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो ओपन प्रशांत कर पे ही करेंगे, ये रिकॉर्ड था उनका और आज भी कायम है। क्वार्टर फाइनल ये शायद ऑफ स्टंप पर गेंद थी ऐसा लगा मुझे कि बैट बॉल डाली जा चुकी है। सूरज पाटिल और इस बैट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 71, तीन गेंदें अभी भी बची हुई है। देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है सूरज पाटिल के इन अंतिम क्षणों में, एक रन मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी मिली, इन दो रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 73 रन, 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। एमसीसी के सीनियर खिलाड़ी अब्दुल समीप पटेल यहां पर आ चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको स्टेज पे आना है। तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है सूरज पाटिल के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर, 10 या 10 से कम रन देने वाली बात अगर कोई गेंदबाज करे तो मैं उसे अच्छा गेंदबाज मानता हूं, क्योंकि 10 रन माफ है, 2 छक्के इस ग्राउंड के ऊपर माफ है किसी भी गेंदबाज को। और प्रशांत कर पे देखिए उस्मान पटेल से अब चर्चा कर रहे हैं कि अगर मैं ओपन करूं तो किस प्रकार खेलूं, ये होता रहता है। तो थोड़े से हमारे मेहमान अब्दुल्ला पटेल, उस्मान पटेल के बड़े भाई यहाँ पर आ चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे तशरीफ लाए और इस मैच का आनंद ले। गेंदबाज सूरज पाटिल तैयार, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी है, क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, कितने रन दिए सूरज पाटिल ने, क्योंकि 70 का आंकड़ा था 73 बन चुका है। मैं कहूंगा पानी लेकर जाइए अंपायर्स के लिए, ये ओवर नहीं, ये वापसी वाला ओवर था टीम वाघीलवाड़ा के लिए, 73 रन बन चुके हैं। चौहत्तर रन बनाए जा चुके हैं, 75 रन 70 थे चार ओवर की समाप्ति के बाद, इस ओवर में आए 4 रन और 74 रन बनाने होंगे, लेकिन किस तरह से ये रन आते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम भी 3 बार तहसील वाइज हाफ से ऊपर आ चुकी है और 3 बार अब्दुल्ला पटेल साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है। आदिल पटेल साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अब्दुल्ला पटेल साहब का स्वागत किया जाए। प्रशांत जी कर पे हरिओम पनवेल के संस्थापक यहाँ पर मौजूद है, आजकल होटल की दुनिया में मशहूर है हरिओम कट्टा के नाम से, लेकिन अब्दुल्ला पटेल साहब का स्वागत किया जा रहा है इस मंच के ऊपर, उस्मान पटेल के बड़े भाई इनका स्वागत किया जा रहा है। आदिल पटेल साहब के शुभ हो ये स्वागत, और जरूर यह मैच एयर टाइट होगा क्योंकि दोनों तरफ स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, एक बैटिंग लाइनअप ने रन बनाए 74, जीत के लिए 15 की औसत से 75 रनों की जरूरत, उस जरूरत को किस तरह से पूरा कर दिया है ये जो स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है वाघीलवाड़ा की, सोनाक्षी 11 वाघीलवाड़ा की,
इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी प्रवीण गायकर। भाई इमरान मस्ते साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, हरिओम पनवेल के संस्थापक प्रशांत जी करपे इनका स्वागत किया जाए। प्रशांत जी करपे साहब का स्वागत किया जा रहा है। प्रशांत करपे के बारे में जितने भी शब्द बोले जाए उतने कम हैं, क्योंकि कई खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार किया, कई खिलाड़ियों को बड़ा बनने का मौका दिया। प्रशांत जी करपे, एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर खेलने का अंदाज आपको कैसा लगता है? ही माझी कर्मभूमी आहे आणि या ग्राउंडवर खेळायचं म्हणजे लॉर्ड्सवर खेळण्यापेक्षा जास्त आनंद आम्हाला इकडे होतोय आणि मी धन्यवाद देतो कमिटीला की अशा प्रकारचे आयोजन तुम्ही केलं आणि वारंवार करत राहा। ऑल द बेस्ट। क्या आज के दिन आप खेलते हुए नजर आएंगे? देखेंगे, शाम को अगर हमारी टीम सेमी तक पहुंचती है तो जरूर खेलूंगा। और ये जो ग्राउंड बनाया है हमारे सभागुरु नेता परेश ठाकुर साहब, उनके नेतृत्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है कि आज तक जितने भी टूर्नामेंट हुए सब बच्चे हमारे सुपेन रहे, राजू भाई रहे, वसीम भाई रहे, कोई भी रहे, उनको आप पूछ सकते हैं कि जब जब क्रिकेटर उधर गया कि हमको ये करना है ना, ये शब्द उनके मुंह से कभी नहीं आया। ऐसे महान नेता हमको प्राप्त हुए। धन्यवाद प्रशांत जी करपे। लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे प्रवीण जी गायकर। दे दो तो। थैंक यू प्रवीण दुगाड़ी सर। बिल्कुल, जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है दोनों भी टीमों के बीच में, खास करके इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो काफी चार चांद लगते हुए हर साल ये टूर्नामेंट हमें नजर आती है। पहला मुकाबला जीता जिस तरीके से, काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, साथ साथ बैटिंग देखने को मिली। तो रॉयल मुस्तफा बड़ी यानी कि निश्चित पर खेलते हुए नजर आएगी। और जिस तरीके से बात करेंगे एक आइवा कैच के लिए, वो काफी जोरदार लपके थे और पैर फिसल गया था, लेकिन बढ़िया पैकर जाने जाते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस टूर्नामेंट के लिए निश्चित तौर पर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में टुडे ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर मुकित भाई काजी, विद्यमान नगर सेवक, उनके साथ साथ आप देख सकते हैं निसार भाई पटेल, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो अतुल शेठ भोईर कुंडेवाल, इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच पर। बिल्कुल नवीशा 11 टीम के पैकर्स हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलते हैं क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में। कहते हैं ना कि आसान नहीं होता सफर दुनिया से हटकर चलने का, तू अपना दम दिखा और करते रहे। टारगेट है 75 रनों का और ऐसे हालातों में रन मशीन 2015 योग स्मृति में क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, रॉयल कलंबोली की आप प्रतिनिधित्व करने वाले गेंदबाज प्रकाश की पहली गेंद उठाने का प्रयास, मिड आर्म सर्कल के पीछे हटता हुआ, क्या मौका बनेगा। स्वप्निल कामले की द्वारा बेहतरीन फील्डिंग और पहला करारा छटका इस वक्त मिलता हुआ टीम बैटिंग करने वाली सोनाक्षी 11 केडीएच वागिलवाड़ा टीम के लिए। पहली गेंद थी, क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास किया था और पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया। खेलना है तो ऐसा खेलो कि कप्तान को भी लगे जी हाँ मैंने एक शेरपाल कर रखा है। तीसरे अंपायर की मांग बिल्कुल की जा रही है, बिल्कुल जिनके नाम से ये टूर्नामेंट रखी गई है, हमारे युवा नेता जो यंगस्टर और युवाओं के पूरी तरह से दिलों में राज करने वाले दोस्त, दुनिया के राजा मानुष, बिल्कुल जव्वाद भाई पटेल साहब, इनका थोड़ी देर जव्वाद भाई काजी साहब का थोड़ी देर में शुभागमन होने वाला है, जिनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल ये टूर्नामेंट रखी जाती है। वसीम पटेल साहब इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, जिनके माध्यम से मोहल्ला 11 पनवेल और वसीम भाई पटेल जिनके ओर से इस टूर्नामेंट का हर साल आगाज किया जाता है। तो तीसरे अंपायर बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर थोड़ी सी तीसरे अंपायर की मदद की जा रही है। अतुल शेठ भोईर, मैन फ्रॉम कुंडेवाल, महाराष्ट्र बैलगाड़ी संगठना के अध्यक्ष तथा दादा सरकार किंग मेकर, इनके जमाई राजा सन्मानी अतुल शेठ भोईर कुंडेवाल, इनका भी शुभागमन हो चुका है, एक बड़े उद्योजक है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बड़ी मेहमान हस्ती इस मंच पर अपने मैच का आनंद लेते हुए, उन सभी मेहमानों का युवा नेता चषक जव्वाद भाई काजी टूर्नामेंट में आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पहली गेंद के ऊपर प्रकाश ने विकेट लिया और देखिए जिस तरीके से ये क्रिकेट है,
जिस तरीके से रॉयल कलंबोली में ये खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करते थे, आज जिस तौर पर नविशा 11 विचुंबा टीम की ओर से गेंदबाजी करते हुए और जो 75 रनों का अंबार है, महफूज कोई भी टारगेट सेट नहीं है, लेकिन इस टारगेट की बात करेंगे क्या रन पहले दो पावर प्ले के सत्र में सोनाक्षी 11 वाकिल वाला टीम बना पाएगी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार अच्छी गेंद फुलर लेन के लिए ली थी, ड्राइव की ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अक्षय पवार जब तक तेजी के साथ गेंद को उठाए तब तक एक रन पूरा, और इसी के साथ सोनाक्षी 11 टीम ने अपना खाता खोला और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया इस वक्त एक रनों के ऊपर। मैन इन फॉर्म प्रतीक सुरते कौन भूलेगा दोस्तों इस बल्लेबाज को, नटराज 11 नावा ट्रॉफी में 22 गेंदों में 69 रनों की दमदार पारी खेली थी और अपने टीम को सुपर 8 में क्वालिफाई किया था टीम वाकलन टीम के खिलाफ, और यहां भी वो बढ़िया पारी खेल पाएंगे जिस तरीके से प्रकाश की कड़ी चुनौती होगी। ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से इनसाइड एज, निश्चित तौर पर बैकफुट पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद गोली के रफ्तार से जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, और अपनी पारी की शुरुआत प्रतीक सुरते एक युवा जिगरबाज है और 400 की स्ट्राइक रेट से अपने पारी की शुरुआत करते हुए। बिल्कुल आपने सीएम ट्रॉफी देखी होगी, खासदार ट्रॉफी देखी होगी, और ये देखिए जिस तरीके से युवा नेता ट्रॉफी आप इंजॉय कर रहे हैं, वसीम भाई पटेल और मटल मोहल्ला 11 टीम की ओर से वॉर शॉट गेंद सीधा, इट्स गॉन अ माइटी, दैट्स गॉन अ फ्लाइटी, अंपायर का इशारा, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। नहीं रोकेंगे जव्वाद काजी साहब, जिस तरीके से ये खिलाड़ी खेल रहे इस मैदान के ऊपर, इस खिलाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल होता है, और निश्चित तौर पर क्या लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है, और टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त बात करेंगे 11 रनों के ऊपर। हेलो, हमारे कमेंट्री बॉक्स में मुकेश भाई काजी विद्यमान नगर से बैठे हैं साहब, इन खिलाड़ी के बारे में एक ही कहना चाहेंगे, ये जो खिलाड़ी इस साल काफी फॉर्म में चल रहे हैं और इनकी टीम है कैडिज वागिलवाड़ा, ये टीम से कोई भी टीम खेलती थी पिछले 2 साल पहले, लेकिन अब इन 19 और 20 के सीजन में इतनी फॉर्म में चल रही है, रायगढ़ के किसी भी टीम को ये टीम भारी पड़ती है, इतनी ताकत है इस टीम में। ये देखिए, इसे कहते हैं बेहतर कमबैक, स्विंगिंग यॉर्कर थी, काफी करीबी मामला, जी हाँ अंपायर की उंगली हुई खड़ी और दूसरी झंडी लगी इस वक्त टीम बैटिंग करने वाली सोनाक्षी 11 वाकिल वाले टीम को, ये दूसरा करारा छटका रन आउट के तौर पर, जोखिम वाला रन था लेकिन रिस्क लिया और उसी की वजह से शायद यहां से रन पूरा किया, लेकिन अंपायर का इशारा आउट का करार। देखिए जिस तरीके से काफी अच्छी कमबैक करते हुए चौका मिला, छक्का मिला, उसके बाद मामला थोड़ा सा करीबी है, शायद दोनों अंपायर फल्ला मसलत करेंगे। इस टूर्नामेंट के आयोजक वसीम भाई पटेल मैदान के अंदर जाते हुए, तो बिल्कुल काफी करीबी मामला था, डाउटफुल नजर आ रहा था, शायद अंपायर हमारे वसीम भाई पटेल इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज है, वो बिल्कुल यहां से इशारा अंपायरों का सलाह मसलत देते हुए जरूर करेंगे। तो अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, तो देखिए थर्ड अंपायर यहां नहीं दिया जाएगा, रिव्यू व्यू नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से अंतिम कोर्ट है, निश्चित तौर पर बात करेंगे अमला पटेल मोहल्ला, ये कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो अंतिम फैसला होगा। वसीम भाई आपको आना है, तो निश्चित तौर पर यहां थर्ड अंपायर चेक किया इन्होंने, तो खिलाड़ी कुणाल नाइक बिल्कुल आउट है और निश्चित तौर पर आउट होकर मैदान से बाहर लौटते हुए, तो निश्चित तौर पर तमीम सर भी आ चुके हैं। थर्ड अंपायर के लिए आपको गलत अगर फैसला होगा तो निश्चित तौर पर हमें आयोजक कमेटी इसकी दखल आपकी ले सकती है। तमीम सर इनका शुभागमन हो चुका है, बिल्कुल आईवा कैच के लिए इनके ओर से 100 रुपए का इनाम हर दर्शक कमाल कैच के लिए दिया जाएगा। इमरान पित्तू साहब आपसे भी गुजारिश करेंगे, आइए मंच पर बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, काफी मेहमानों की खातिरदारी वसीम भाई पटेल और उनकी टीम मोहल्ला 11 टीम की ओर से, काफी अच्छी खातिरदारी बिल्कुल मेहमानों में चलती हुई।
तो टीम का स्कोर है रनआउट के तौर पर शिकार मिला इस वक्त पांचवी गेंद के ऊपर। स्कोर की बात करेंगे, अभी भी रुका हुआ स्कोर है 11 रन। आंकड़ा है 75 रनों का सेव करना, लेकिन ऐसे हालातों में इस वक्त मुश्किल स्थिति है। विकेट गंवाने के बाद दो करारे छटके, प्रसाद घरत शून्य पर आउट होकर और उसके बाद नामचीन बैट्समैन कुणाल नाइक, जो छोटी पॉकेट और छोटी हाइट और बड़ी फाइट जिसे कहती है, वो इस वक्त मैदान थमती हुई। नए बैट्समैन समाधान भास्कर AK-47 जिसे कही जाती है, अब तक दो सीरीज मैन ऑफ द टू व्हीलर बाइक इसके नाम पर है। और कौन बोलेगा दोस्तों, अम्बाल ट्रॉफी चिंचोली की नाइट प्रतियोगिता में दो मैच में 100 का आंकड़ा पार किया था इस बल्लेबाज ने, और उसी बल्लेबाज को अब कैप्टन ने इनवाइट किया है मिडिल ऑर्डर्स में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यहां देखिए घुटने के बल पर खेलने की कोशिश थी, गेंद मिड ऑन के दायरे में सर्कल के अंदर रोका, तब तक फील्डर रन बैट्समैन रन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इससे पहले गेंद के ऊपर रनआउट के तौर पर शिकार मिला था और आखिरकार पहला छटका रनआउट के तौर पर मिला था। तो कुल मिलाकर पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 11 रन। सोनाक्षी 11 बाकी वाली टीम। ये क्रिकेट है, यहाँ बाजी किसी भी तरफ पलटेगी, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना बहुत जरूरी है और इसीलिए संघर्ष पर मुकाबले में 75 का टारगेट सेट करना है। और ऐसे हालातों में ये दोनों भी टीमें अपना 100% परफॉर्मेंस देते हुए खुद पर यकीन इतना करो कि खुद को भी गुरूर हो जाए, खेल ऐसा करो कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए। मिजाज तो इनका भी कुछ है समुन्दर के पानी जैसा, खारा है मगर खरा जरूर है। दोनों भी टीमें फाइट करेगी, एक तरफ की गेंदबाजी ताकतवर है, प्रकाश के बाद आकाश गिरी लंबे कद के गेंदबाज है, मैन फ्रॉम कालुंद्रे, कालुंद्रे टीम के हाइट फैक्टर गेंदबाज है। और कभी कभी कहते हैं ना प्रवीण दुगाड़ी सर, जिस गेंदबाज की हाइट होती है उस गेंदबाज को कंधों का इस्तेमाल करना काफी आसान होता है और अपने उंगलियों को फिरेना बहुत आसान होता है इस गेंदबाजों के लिए, लेकिन क्या उस गेंदबाजी का इस्तेमाल इस बैटिंग लाइनअप विकेट के ऊपर दिखाने में सक्षम रह पाएंगे। साइड पर है इस वक्त बैट्समैन प्रतीक सुरते, अब तक बल्लेबाजी की बात करेंगे, 2 गेंदों का सामना किया इस बैट्समैन ने और 500 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 10 रन अभी तक अपने खाते में जुड़ते हुए। नॉन स्ट्राइक गेंद पर है समाधान भास्कर, पहली गेंद डॉट के लिए, कई सारे अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम पर है इस सीजन में। और यहां से गेंदबाजी की बात करेंगे, आकाश गिरी ओपन हाफ में इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नविशा 11 विचुंबा टीम की ओर से, सहज नहीं होगा गेंदबाजों के लिए और वो ओवर भी है पावर प्ले का, ओवर द विकेट से तैयार। पहली गेंद शॉर्ट पिच की जरूर फेंकी थी ऑफ स्टंप से बाहर, समाधान भास्कर कह रहे हैं नॉन स्ट्राइक गेंद से कि आप यहां से रपिश एंड अबिश करो डीप पॉइंट और कवर के ऊपर से, लेकिन छोड़ा वाइट के लिए, चलिए इंतजार कीजिए मौका बनेगा, तब तक यहां से छोड़ा इस गेंद बल्लेबाज ने वाइट के लिए और वाइट की मदद से टीम का फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अभी उम्र छोटी है इसलिए दहशत कम है, लेकिन एक दिन नाम जरूर कमाऊंगा और यह मौका बनेगा। शॉट मिड ऑफ का खिलाड़ी मिड ऑन के रीजन में आया और इसी के साथ जल बैटिंग लाइनअप लंबी जानी जाती है, उस बैटिंग की भज्जिया उड़ाने में अब तक तो कामयाबी मिली है फील्डिंग करने वाली नविशा 11 विचुंबा टीम को। दो बड़े सदमे अब तक मिलते हुए एक रनआउट के तौर पर शिकार मिला, प्रसाद गरत कुणाल नाइक प्रतीक सुरते जैसे पर तोड़ बल्लेबाज चलते बने हैं पावली की तरफ, अब मुकाबला पूरी तरह से अपने गिरफ्त में लाकर खड़ी कर सकती है नविशा 11 विचुंबा टीम। देखिए आपके पास वेस्ट इंडीज टीम जानते हो दोस्तों, उस वेस्ट इंडीज टीम में 11 के 11 ऐसे हिटर है, वैसे इस टीम में हिटर है और ऐसे हालात में बात करेंगे हिटर के साथ साथ आपको फिटर होना भी जरूरी है, डिफेंस करना के साथ साथ आपका मीटर भी चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना जब हीटर है मीटर भी रखना जरूरी है और उसके साथ टीम में फिटर भी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 11 के 11 आकर बड़े बड़े स्ट्रोक किसी लिए आते हैं, मारने के लिए आते हैं, कौन ऐसा होगा कि डिफेंस करके स्कोर को भी बचाया जाएगा सिंगल सिंगल के साथ, जो स्ट्राइक लेके अपने मैच को बचाया जा सकता है। चलिए और बड़े चेहरे है सिद्धेश भास्कर जैसे खिलाड़ी है आने वाले, तो निश्चित तौर पर बड़ा संग्राम जरूर होगा। समाधान भास्कर का ये स्ट्रोक करारा जवाब, डीप एक्स्ट्रा कवर सी मारे का बाउंड लाइन के बाहर खेला 4 रनों के लिए, अंपायर का इशारा 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 16 रनों के ऊपर। जानते समाधान भास्कर जिम्मेदारियां बहुत इनके कंधों के ऊपर है और ऐसे हालातों में इन जिम्मेदारी को उठाते हुए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहां भी छोटी गेंद नहीं छोड़ेंगे, यही कहना चाहते हैं समाधान भास्कर पिछली गेंद के ऊपर जो विकेट गिरा था प्रतीक सुरते का, कि यहाँ गैप बहुत बड़ी है और इस चारों ओर मैदान के ऊपर जो मुआवना करना है उस बैटिंग का फायदा, सर्कल के दायरे का फायदा लेना है।
हेलो तो थैंक यू बिल्कुल राजू साहब पटेल के अजीज दोस्त दादा सरकार किंग मेकर पंडरा शेट इनके जमाई राजा एक उद्योजक अतुल शेट बोईर इनका स्वागत करेंगे राजू भाई पटेल से गुजारिश करेंगे इनके अजीज दोस्त हैं राजू भाई से गुजारिश करेंगे आपके शुभातों से अतुल शेट बोईर कुंडवाल उद्योजक इनको इस टूर्नामेंट के माध्यम से अजीब शान शौकत से इस टूर्नामेंट का अविस्मरणीय सम्मान चिन्ह शाल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें लेकिन इस बार क्रॉस बैटेड लाजवाब स्ट्रोक गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ फोर रन और इसी चार रनों की मदद से अतुल शेट भोईर राजू साहब पटेल के काफी करीबी दोस्त हैं उनका भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्वागत करते हुए इस टूर्नामेंट की अविस्मरणीय यादगार लम्हा तीसरे अंपायर उनके साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान बिल्कुल याजदान तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए
हेलो, तो बिल्कुल हाँ, इमरान पित्तू साहब का इस सरजमी पर आगमन हो चुका है, तो तमीम सर से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके शुभातों से इस वक्त इमरान पित्तू साहब का इस टूर्नामेंट के माध्यम से शाल पुष्प गुच्छ और इस टूर्नामेंट के अब इस पर यादगार लम्हा सम्मान चित्र देकर इन्हें सम्मानित कीजिए। इमरान पित्तू साहब, इनका भी शुभागमन हो चुका है, तो मैं गुजारिश करूंगा तमीम सर कि आपके शुभातों से इन्हें इस टूर्नामेंट के माध्यम से सम्मानित करें। बहुत खराब बल्लेबाजी चल रही है सोनाक्षी इलेवन वाकिलवाड़ा टीम की ओर से, लगातार यॉर्कर पे वार, विरोधियों पर शिकार, पूरी तरह से घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। पहले पावर प्ले में रन दिए थे 11, सेकंड ओवर में रन बने थे 11 और तीसरे ओवर में सिर्फ रन आए 5 और मुश्किल स्थिति में डाल दिया बैटिंग करने वाली टीम सोनाक्षी वाकिलवाड़ा टीम को 27 रन 9.00 के औसत से टोटल स्कोर कार्ड बनता हुआ। 12 गेंदे बची है, जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। प्रति गेंद की अगर बात करेंगे तो तकरीबन 4 रन चाहिए प्रति ओवर में। किरण भाई का स्वागत करेंगे, बिल्कुल किरण ठक्कर साहब का स्वागत करेंगे इस टूर्नामेंट के हमारे तमीम सर, जिनसे गुजारिश करेंगे जिनके ओर से आईवा कैच के लिए इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल हर दर्शकों के लिए 100 रुपए का इनाम है। तो किरण ठक्कर साहब का फिर से एक बार यहां से सम्मान किया जा रहा है तमीम सर के शुभ हाथों से। बिल्कुल मेहमान भगवान के समान होता है और मेहमान की खातिरदारी बिल्कुल इस टूर्नामेंट के माध्यम से की जा रही है। बहुत मुश्किल स्थिति में है, अब जीत के लिए 12 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। ऐसे हालातों में तकरीबन 6 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट होने के बाद क्या इन तूफानों से जुड़ जाएंगे, इनकी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना कर, क्योंकि ये कई तूफानों का रोक मुड़ने की ताकत है। और ये देखिए हाफसा हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन सीमारे का बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन, अभी 6 रनों की मदद से कहीं ना कहीं मुकाबले में कमबैक करने की कोशिश इस वक्त कर सकती है टीम बैटिंग सोनाक्षी 11 वाकिलवाड़ा। 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 33 रनों के ऊपर, 11 गेंदें बची है, 42 रनों की जरूरत। सोचो यही होगी कंचन पालकर कि आने वाली 12 गेंदों में कैसे भी 6-7 छक्के मारेंगे तो शायद मुकाबले में बहुत बड़ी वापसी हो सकती है सोनाक्षी 11 वाकिलवाड़ा टीम की ओर से। क्या कड़ा मुकाबला, पैसे पहले 7-6 विकेट गंवाने के बाद पूरी तरह से कम बैक करते हुए अपने टीम के लिए। यकीनन एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है, जो खिलाड़ी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, जो खिलाड़ी बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द सीरीज बनेगा, उन सभी के लिए हरिओम कट्टा एक घरेलू खाना देने वाला एक बेहतरीन होटल जो पनवेल में आ चुका है प्रशांत करपे की अगुवाई में, कल वहां पर शाही मटन और यानी कि संडे में जो लजीज खाना होता है उस खाने को परोसा जाएगा इन खिलाड़ियों के लिए। और साथ साथ हमारे स्कोरर कंचन पालकर, कॉमेंट्रेटर प्रवीण गायकर और अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो हम तीनों को भी हरिओम कट्टा में बेहतरीन खाने की दावत दी जाएगी प्रशांत करपे इस होटल के मालिक इनके द्वारा। तो मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, इन खिलाड़ियों को मिलेगा एक लजीज घरेलू खाना जिसका नाम है हरिओम कट्टा। और ये देखिए यहाँ फंसे सीधा लॉन्ग ऑन के रीजन में परेश कड़के गेंद के नीचे आए और विकेट नंबर 7वां करारा छटका। आखिरी 3 लाइफलाइन बची है सोनाक्षी 11 वाकिलवाड़ा टीम के सामने। बहुत दुविधा, बहुत खराब बैटिंग, साथ में गेंदबाजों का साथ नहीं मिला और उसी की वजह से बैकफुट पर नजर आती हुई। धन्यवाद प्रवीण, और यहाँ पर एक स्वागत किया जा रहा है नीलेश जी पटवर्धन, इनका स्वागत मैं गुजारिश करना चाहूंगा अमान पटेल साहब को कि उनके शुभ हाथों यहाँ पर स्वागत किया जाए नीलेश जी पटवर्धन का। देखिए हर मेहमानों की आवभगत यहाँ पर की जा रही है, जलबिन मछली जिस तरह तड़प रही है उसी तरह उस्मान पटेल तड़प रहे कि कब मैच होगा उनका, लेकिन यहाँ से और पैसे की बरसात होगी आपके ऊपर क्योंकि ढेर सारे चाहने वाले हैं आपके इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और प्रवीण सर कई सारे कॉल्स भी आ चुके हैं कि कब उस्मान का मैच स्टार्ट होगा, ऐसे निश्चित तौर पर जो समझते हैं खुद को बादशाह बिल्कुल इस मैदान के पदार्थ में नजर आएंगे। तो यहाँ से गेंदबाजी की बात करेंगे, पहली गेंद के ऊपर छक्का आया उसके बाद विकेट टेकने की एबिलिटी, ऋषि गैरत तैयार राउंड द विकेट से 100 के स्पीड से गेंद आई थी, भेज दिया डीप फाइन लेग के ऊपर से 200 के स्पीड से गेंद को बाहर 6 रनों के लिए। अब यहां से मुकाबले में जिंदा रहना चाहती है जिस प्रतीक पाटिल
खारकोपर 11 टीम के नामचीन बैट्समैन है, जिस गेंदबाज के लिए काफी धुलाई हुई थी। एक ओवर में प्रतीक पाटिल ने रन खर्च किए थे 18, अब उसी की नुकसान भरपाई शायद कहीं ना कहीं करना चाहेगी। 6 रनों की मदद से टोटल स्कोर का 39 रन, 9 गेंदे बची है, 36 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। राउंड विकेट से यहां भी संपर्क अच्छा हुआ है, जी हां जाएगी स्टैंड में, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से अंपायर का इशारा और एक बड़ा हिट 6 रन। अब मुकाबले में करवटें बदलती हुई, आखिर की 8 गेंदें बची है और जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। स्टाइल है डैशिंग, जिगर है केयरिंग, क्रिकेट के मैदान में हमेशा करते हैं केयरिंग, बस यही सोच है इस खिलाड़ी की मैचिंग। लेकिन बात करेंगे ऋषि गरग, तुरमाला एक्सप्रेस के तौर पर जानी जाती है, उसी ऋषि गरग को 3 छक्के दागे हैं, क्या इस वक्त मुकाबले में कमबैक कर पाएगी, सोचो कंचन पालकर। अब आने वाली 2 गेंदों के ऊपर अगर 2 बड़े छक्के मिलेंगे तो मुकाबले में बिल्कुल कमबैक कर सकती है इस वक्त बैटिंग करने वाली टीम सोनाक्षी 11 वागीलवाड़ा। तो अजीब मुल्ला साहब, जिनकी ओर से हमारे इस टूर्नामेंट के लिए पूरे मंच जो उपलब्ध कर दिया है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन 8 गेंदें बची हैं, 30 रनों की जरूरत, क्या मुकाबले में करवटें बदल पाएंगे। शॉट पिच लाइन की गेंद, टॉप पिच लगा है फाइन लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे। चलिए आखिरी मोमेंट में इस कैच को पकड़ा और जो बची कुछी उम्मीद, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहते थे बैट्समैन प्रतीक पाटिल, और वो प्रतीक पाटिल आखिरकार चलते बने पवन की तरफ, और टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त बात करेंगे 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर 45 रन, 7 गेंदें बची है, 5 छक्कों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। देखिए जिस तरीके से लालचंद गावंड, पुराना चावल जिसे कहते हैं, कई सालों का तजुर्बा इस खिलाड़ी को, और उसी तजुर्बा का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी मिसफील्ड हुई, उसी की वजह से सोनाक्षी 11 वागीलवाड़ा टीम के खिलाफ बैटिंग करने वाली टीम नविशा 11 विचुंबा टीम ने, फील्डिंग करने वाली नविशा 11 विचुंबा टीम ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया, और उसी की वजह से इसका पीछा करते हुए मंगेश फड़के, एक अर्धशतक है विचुंबा के मैदान के ऊपर, लेकिन क्या नाम से बड़ा काम है। अच्छा स्ट्रोक है, जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर, जी हाँ मुकाबले में अभी भी बैलेंस है, कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। इस वक्त 6 रन, बची हुई 6 गेंदे, और जीतने के लिए बात करेंगे 24 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला चल रहा है, क्या फाइट, 24 रन चाहिए 6 गेंदों में, क्या फाइट कर रही है इस मैदान के ऊपर नविशा 11 विचुंबा टीम और उनके साथ साथ सोनाक्षी 11 वागीलवाड़ा टीम। छोटे लोग और छोटे नोट मुसीबत में काम आते हैं, मैं भी इन्हीं में से एक हूँ जो मैच में बनाए रखता हूँ, और क्या मैच में बना पाएंगे। 9वें और 10वें क्रमांक के खिलाड़ी है इस वक्त लालचंद गावड़ और मंगेश पड़के, अब तक पारी को जिंदा रखते हुए। आखिर की 6 गेंदे बची है, चलिए पानी, टीम मीटिंग ना करे तो बेहतर होगा, गुजारिश करेंगे। तो चलिए मैच भी काफी हाई वोल्टेज नजर आता हुआ, आमोश मुल्ला साहब जिन्होंने पूरी तरह से पूरे मंडप पर डेकोरेटर को हेल्प की है, तो निश्चित उनका भी सत्कार करेंगे। आदिल पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ हाथों से आमोश मुल्ला साहब का मान सम्मान करें, जिन्होंने काफी मेहनत ली इस टूर्नामेंट के लिए, मंच भी काफी अच्छा उनके माध्यम से हम देख सकते हैं, तो उनका भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया, अजोश स्वागत किया जाएगा। तो नेक्स्ट मैच होगा इसके बाद, जो टीम जीती है पहला मुकाबला, आर्या आयुष 8558 11 टीम के कैप्टन से गुजारिश करेंगे। बिल्कुल वसीम भाई पटेल इस टूर्नामेंट के आयोजक है, उन्हीं के शुभार्थों से भी सम्मानित किया जाएगा। आमिश मुल्ला साहब को बिल्कुल इस टूर्नामेंट के माध्यम से युवा ट्रॉफी, युवा नेता ट्रॉफी आप एंजॉय कर रहे हैं। लालचंद गावड़ ऑन स्ट्राइक, जीतने के लिए अब 6 गेंदें बची है, 4 छक्कों की जरूरत है, क्या वो जरूरत पूरी कर पाएंगे हमारे छोटे छोटे नन्ने नन्ने परिंदे इस मैच को एंजॉय करते हुए। इस मैदान के ऊपर कोई टारगेट मुश्किल नहीं है, और इस मुश्किल राह को ये पुराना चावल 40 प्लस मास्टर लालचंद गावंड डालते हुए, अब बची भी गेंदे 5 और 18 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। जीवन गावंड के नाम से जाने जाते हैं, 6 हैट्रिक के लिए ₹500 का इनाम,
नासिर देशमुख साहब इनके ओर से दिया जाएगा। चलिए 2500 का इनाम इस खिलाड़ी के लिए रखा गया है, लेकिन कहते हैं ना खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। अरे हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हम परों से नहीं अपने हौसले से उड़ा करते हैं। हौसलों में जान है लेकिन इन हौसलों को उड़ा रख पाएंगे। अब 5 गेंदे बची है, 18 रनों की जब तो जरूरत। व्हाट अ फाइट इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन मंगेशपर के स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन रन आउट के तौर पर इस वक्त विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर यह विकेट सैक्रिफाइस करते हुए टोटल विकेट गवाई है, कंचन पालकर हमारी जानकारी देंगे, 9 विकेट गवाई है सोनाक्षी 11 वागेलवाड़ा टीम ने। आखिरी लाइफ लाइन बची है, लेकिन 4 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अरे पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है। क्या वो उड़ान ले पाएगी सोनाक्षी? वागिल वाले टीम बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश की थी, एक रन तो पूरा मंगेश पढ़ के, क्या स्ट्राइक लेना चाहेंगे, लेकिन आखिरी विकेट था यहाँ पूरी तरह से ऑल आउट हुई। देखिए मंगेशपर की स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास, लेकिन पूरी तरह से ऑल आउट हुई टीम सोनाक्षी 11 वागेलवाड़ा टीम, और बेहतरीन जीत हासिल अपने नाम पर की टीम नविशा 11 विचंबा टीम ने। तो लाइन अप करके आपको आना है, और लाइन अप करके मैदान के अंदर सोनाक्षी 11 वागेलवाड़ा टीम को जाना है। मोटे कद के स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप बल्लेबाजी के लिए ऋषि नाइक, एक पहले से रायगढ़ के खिलाड़ी है जो आई गॉगल यानी कि सेफ्टी आई केयर पहन कर हमेशा बल्लेबाजी करते हैं। तो जरूरी अनाउंसमेंट होगी, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो ओमकार पाटिल आपको आना है, या ब्रांडेड शूज डीएससी की रखे गए वो आपको मैन ऑफ द मैच देना था, ओमकार भी आ चुके हैं।